हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बनाते हैं एक रियलिस्टिक आई। तो सबसे पहले हमारी लाइन ड्राइंग एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए। हमें अपना अपनी लाइन ड्राइंग पे इतना परफेक्शन लाना चाहिए कि हमारी जो ड्राइंग है वो इतनी परफेक्ट लगे कि कलरिंग के हिसाब से कलर जब हम कर रहे हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम करते हैं, पहले आई बॉल बनाते हैं। लाइट टू डार्क जाते हैं हम लोग। पहले हम लाइट शेड करते हैं, फिर लाइट से डार्क पे जाएंगे। अब हम अपने बॉल में डार्क पर करते हैं ब्लैक से। देन जो भी हमें हाईलाइट देनी है हम वाइट जेल पेन से ओली पेन से दे सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे एक अपने आई स्टार्ट करना। उसमें हम अपने मेन टोन देंगे, फिर उसमें हम हाईलाइट देंगे वाइट पेन से। हम बहुत ही ईजी स्टेप से हम रियलिस्टिक आई बनाना सीख सकते हैं। बस हमें ध्यान देना कि हमारी लाइन ड्राइंग स्ट्रांग हो एंड हम लाइट टू डार्क जाएंगे। जैसे आप देख पा रहे होंगे हम लाइट टू डार्क कर रहे हैं। पहले हम लाइट कलर कर रहे हैं, देन हम मिडल टोन कर रहे हैं, देन हम डार्क पे जा रहे हैं। हम अपनी स्किन टोन कर रहे हैं। सो गाइज, आपको अगर सक्सेसफुल आर्टिस्ट बनना है तो आपको सबसे पहले अपनी लाइन ड्राइंग स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। जो हमारा बेस होता है, तो हमारा बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक हम सक्सेसफुल आर्टिस्ट बन नहीं सकते। तो आपको अपने पहले लाइन ड्राइंग पे काम करना पड़ेगा। जब आपकी लाइन ड्राइंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो आपको कोई भी मीडियम यूज़ करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो हम अपनी आइस पे आते हैं। सबसे पहले हम बेस ले कर रहे हैं पूरे में, फर्स्ट टोन कर रहे हैं। देन उससे डार्क कलर लेंगे हम। और पेंसिल कलर की टेक्निक होती है। तो गाइज, मैं सब बस ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको एक आर्टिस्ट बनना है, ठीक है, तो आपको अपनी लाइन ड्राइंग पे इतना काम करना पड़ेगा कि आपकी बेस इतना स्ट्रांग हो जाए कि आपसे कोई कुछ भी बनवाए, कोई भी मीडियम कोई भी दे आपको, तो आपकी लाइन ड्राइंग इतनी स्ट्रांग होगी कि उसमें आप कैसे भी कलर करो, कलरिंग में कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। और पेंसिल कलर की टेक्निक्स क्या होती हैं, उसको कैसे मर्ज किया जाता है, ठीक है। कहीं पर हमें रफ़ लुक लाना होता है, कहीं पर हमें स्मूथ शेडिंग चाहिए होती है, तो वो कैसे करते हैं, स्किन टोन में हम कैसे स्मूथ लाएंगे। पहले हमें लाइट टू डार्क बेस कलर करना है, देन हमें एक वाइट कलर वाइट पेंसिल कलर से उसके ऊपर मर्ज करना होता है। एक प्रेशर के हिसाब से हमें कहाँ पे कितना प्रेशर चाहिए, तो वो मर्ज हो जाता है। तो ये एक टेक्निक होती है पेंसिल कलर की। सो हम सेकंड कलर करते हैं, ये मिडिल टोन आएगी। इसके बाद हम एक ब्राउन कलर करेंगे, वो थर्ड टोन में आ जाएगा। तो ऐसे करके हम टोन वाइज आगे बढ़ते रहते हैं। अभी थोड़ा रफ लुक आ रहा होगा, जो हम स्मूथ शेडिंग चाहिए होगी, जहाँ पे हम वाइट कलर यूज़ करेंगे जिससे वो मर्ज हो जाए और स्मूथ शेड है। सो गाइज, अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड टोन। तो हम ब्राउन कलर का यूज़ कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हमें लगता है कि हमें डार्क देना है वहाँ पे हम डार्क करेंगे, जहाँ पे लाइट देना है वहाँ पे लाइट करेंगे। हमें प्रेशर का ध्यान देना है कि हमें कहाँ पे लाइट प्रेशर देना है, कहाँ पे डार्क प्रेशर देना है। कहीं पे हमें डार्क टोन कुछ ज़्यादा डार्क करनी है, वहाँ पे हमें डार्क प्रेशर देना होगा। हमें अपने हैंडलिंग पे ध्यान देना होगा। कहीं पे डार्क हो जाता है, जहाँ पे डार्क नहीं चाहिए वहाँ पे ज़्यादा डार्क हो गया तो हम उसको इरेज नहीं कर सकते पेंसिल कलर में। तो हमें ध्यान देना होगा कहाँ पे कैसे हैंडलिंग करनी है। आप देख रहे हो जहाँ पे मुझे डार्क टोन चाहिए वहाँ पे मैं लाइट टू डार्क प्रेशर भी दे रहा हूँ। एक कलर में वो लाइट टू डार्क होता है, एक होता है हमें प्रेशर कहाँ पे कितना देना है, उस पर ध्यान देना है। We'll be right back.
दोस्तों आप देख पा रहे हो मैं एक वाइट कलर यूज़ कर रहा हूँ, या तो वाइट कलर लो या तो कोई लाइट कलर ले सकते हैं मर्ज करने के लिए। स्मूथ शेडिंग जहाँ पे मुझे चाहिए मैं वहाँ पे स्मूथ कर रहा हूँ, मतलब पूरी स्किन टोन मैं स्मूथ चाहता हूँ, तो मैं स्मूथ कलर का यूज़ कर रहा हूँ लाइट कलर का स्मूथ करने के लिए, वाइट और लाइट पिंक, क्योंकि हमें वाइट टोन में थोड़ा चाहिए। यहाँ पर लाइट टोन ज़्यादा है, यहाँ पर वाइट टोन ज़्यादा चाहिए, तो मैं वाइट कलर का यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा प्रेशर यूज़ करता हूँ। बाकी टोन जो मैंने की वो लाइट प्रेशर की है, ये यहाँ पर वाइट कलर का यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा प्रेशर देंगे जैसे कि हमारी स्मूथ स्किन टोन आ सके। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे वाइट कलर का कैसे यूज़ कर सकते हैं हम, और रियलिस्टिक टाइप कैसे बना सकते हैं क्रॉस वे में। हम क्रॉस वे में, इसमें एक वाटर पेंसिल में एक टेक्निक होती है कि जिस वे में आपने पहले किया होता है उसके क्रॉस वे में हम करेंगे तो वो मर्ज होने लगता है धीरे धीरे, फिर उसके बाद जब हम लास्ट में प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो एकदम स्मूथ टोन में आ जाता है। तो एक टेक्निक होती है पेंसिल कलर की यूज़ करने की, जैसे हम स्किन टोन एकदम स्मूथ ला सकते हैं। तो हम सारी स्किन टोन में हम अपनी लाइट टोन, मतलब लाइट पिंक एंड वाइट कलर का यूज़ करके हम स्मूथ टोन लेके आ रहे हैं। तो धीरे धीरे जहाँ पे हमें जो कलर चाहिए वो अप्लाई करने के बाद डार्क टोन जहाँ पर चाहिए हमने पूरे में डार्क टोन की, उसको हम कोई लाइट कलर जैसे लाइट पिंक या वाइट कलर का यूज़ करके हल्के हाथों से या डार्क वैसा दें जितना आपको चाहिए वो यूज़ करना, जिससे कि स्मूथ टोन आ जाए, स्किन टोन एकदम स्मूथ हो जाए। अगर हम ओल्ड लेडी या ओल्ड मैन का बना रहे तब हम स्किन टोन को स्मूथ रखेंगे, नहीं तब रफ़ रखना होगा कि एक टेक्सचर है। यहाँ पे हमें स्किन टोन एकदम स्मूथ चाहिए तो हम उसके हिसाब से हम अप्लाई करते हैं। तो आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है, इतनी प्रैक्टिस देनी है अपने काम में, ठीक है, इतना प्रैक्टिस करना है कि आपको आपकी हैंडलिंग इतनी अच्छी हो जाएगी, आपको कितना कहाँ प्रेस देना कि देना है उतना ही प्रेशर वहाँ पर लगेगा। जब तो आपकी हैंडलिंग अच्छी नहीं होगी तो आपका प्रेशर कहाँ पर कितना चाहिए वो आपके बस में नहीं, तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब हम वाइट पेन से, जेली रोल पेन से जहाँ जहाँ हमें हाईलाइट देनी है वो हाईलाइट देंगे, थोड़ा सा हाइपर रियलिस्टिक लुक लाने की कोशिश करेंगे। वाइट जेली रोल पेन का यूज़ कर सकते हैं, वाइट मार्कर आता है वो यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हम वाइट पेंसिल कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम धीरे धीरे अप्लाई कर रहे हैं वाइट जेली रोल का पेन। स्किन टोन में बहुत सारे टेक्सचर होते हैं, बहुत अगर आप बारीकी से देखे जाएंगे DSLR से आप क्लिक करें फिर आप स्किन पे देखें कितने सारे टेक्सचर होते हैं, कितनी सारी चीज़ें होती हैं, तो आप उसको धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों को बना बना के रियलिस्टिक हाइपर रियलिस्टिक लुक ला सकते हैं। धीरे धीरे आप अप्लाई करिए, जहाँ पे आपने वाइट कलर का यूज़ किया है मैं उससे दो साइड होती है उसकी, एक को लाइट रखेंगे एक को डार्क रखेंगे, उसके डार्क टोन पे हम कोई भी डार्क कलर लाएंगे, जैसे कि जो वाइट मैंने हाईलाइट दिया वो एकदम निकल गया है एकदम रियलिस्टिक। अब इसमें हम थोड़ा फिनिशिंग लेके आएंगे। गाइस कोई भी, अगर आप कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी, कोई भी कमी आपको नजर आए वो आप बोल सकते हैं, कोई भी आपको क्वेश्चन हो मैं उसका आंसर दूंगा, आप पूछ सकते हैं कुछ भी। और थोड़ा कैमरे में हमें इतना पता नहीं चलता कि हम कितनी कहाँ पे कितनी फिनिशिंग दे रहे हैं, पर रील में अगर आप देखोगे तो कुछ ज़्यादा ही रियलिस्टिक होता है। तो आप धीरे धीरे करके अपनी प्रैक्टिस को इतना कीजिए, और मैं हमेशा से यही बोलूँगा कि आपकी लाइन ड्राइंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, लाइन ड्राइंग मेन होती है कोई भी मीडियम के लिए, आपकी हैंडलिंग अच्छी होनी चाहिए, लाइन ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए। इसलिए आप अगर आप शुरू कर रहे हैं पेंटिंग करना तो आप सबसे पहले लाइन ड्राइंग स्टार्ट कीजिए। ये हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो गई है आप देख पा रहे हैं। सो गाइस अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें,
पर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या वीडियो देखनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।